Hello, student. This is your Mina, ma'am, and I'm going to teach you English this year also. Last year also, I was only teaching you English. Okay? And this year also, I'm there. So now it's our team, and I hope you all will support me as you were supported last year. Okay, student? Yes. So now we are going to start our new chapter. Its chapter's name is. सीक्रेट सो कैन यू ट मी वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक्रेट क्या आप मुझे बता सकते हैं सीक्रेट का मतलब क्या होता है यस, yes. सीक्रेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे हम सबसे छुपाते हैं सीक्रेट इज नथिंग बट द हिडन थिंग ओके एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी अ सीक्रेट ऑफ अ वन स्मॉल स्कूल गोइंग बॉय लाइक यू ऑल गाइज एक आप ही के जैसे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे की यहाँ पे कहानी है जो जिसके पास एक सीक्रेट है सीक्रेट मीन्स हिडन थिंग हिडन एक एक छुपी हुई बात एक राज और वो क्या राज है वो राज हम यहाँ इस चैप्टर में देखने वाले हैं ओके लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ हम सभी के ज़िंदगी में कभी ना कभी अच्छे और बुरे पल आए हैं आए हैं या नहीं आए हैं आए हैं ना कभी 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 हमारे साथ बहुत अच्छी बातें होती है और कभी कभी हमारे साथ बहुत बुरी बातें होती है हम बहुत दुखी हो जाते हैं कभी कभी रो भी देते हैं होता है ऐसा यस तो आज हम इन्हीं बातों के ऊपर ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर इन्हीं बातों के ऊपर है कि किस तरीके से लाइफ में अच्छी और बुरी बातें होती हैं और गाइस मैं आ, सुनना चाहूँगी कल आपसे कि अगर आपके लाइफ में कभी कोई बुरा इंसिडेंस होता है बुरी बात होती है तो आप उसको किस तरीके से फेस करते हो मतलब उस इंसिडेंस को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू मतलब कल हर एक बच्चे ने अपने इंग्लिश में अपने पाँच छः सेंटेंस में मुझे ये बताना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा वो बुरा दिन था या ऐसा कौन सा वो बुरा इंसिडेंस था जब आपको बहुत बुरा लगा था ओके okay. और आपने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया था और दूसरी एक एक्टिविटी आपको करनी है वो ये है कि किसी और का दिन अच्छा हो मतलब किसी और को खुशी देने के लिए आपने क्या किया है Okay, so these are our two activities that you have to do. Tomorrow you have to uh, tell me that how, how did you make someone's day better and how did you accept the bad thing in your life? Okay student. So now let's start our new lesson that is the secret. But before going to that lesson, we are going to see who is the person who has written this lesson,

कि अनीता देसाई ये जो है ये इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी ऑथर है जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिटरेचर लिखा है तो उनकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सो सबसे पहले हम उसी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं ओके सो लेट्स सी तो चलिए देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपने इस चैप्टर के ऑथर अनीता देसाई के बारे में सी अनीता देसाई She born in 1937 is a famous Indian author who has written several fictional stories for children in her long literary career. इसका मतलब ये होता है कि Anita Desai ये जो महात्मा है, ये जो लेखिका है, ये 1937 में पैदा हुए और वो इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी लेखिका है जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे फ़िक्शनल स्टोरीज़ लिखी हुई है अब आप पूछोगे फ़िक्शनल स्टोरीज़ का मतलब क्या फ़िक्शनल स्टोरीज़ का मतलब होता है कुछ इमेजनरी बच्चों को कुछ ऐसे इमेजनरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि फ़ेरी टेल्स होते हैं फेरीज़ एक्चुअली होती है क्या नहीं होती है या फिर जैसे कोई मैजिकल स्टोरीज़ होती है ऐसे मैजिकल स्टोरीज़ हम बच्चों को बहुत अच्छी लगती है तो ऐसे ही इमेजिनरी मैजिकल और जिसमें कुछ तो भी ऐसे फिक्शन होता है ऐसी कुछ स्टोरीज जो है वो ये लेखिका बच्चों के लिए लिखती थी ओके okay. उसके बाद शी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर हर फॉर द बुकर प्राइज़ ट्राइज शी वोन द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज फॉर द विलेज बाय द सी ओके इसका मतलब है कि ये जो जो कोई भी लेखक होते हैं उनके लिए जैसे अगर फिल्म स्टार होते तो फिल्म स्टार्स को हम कुछ अवार्ड से सम्मानित करते हैं जैसे कि फ़िल्म फेयर हो गया जी सिने अवार्ड्स वगैरह ये कुछ उनके फील्ड्स के अवार्ड है वैसे ही अगर कोई लेखक है तो उनके फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दैट इज़ द बुकर अवार्ड और ये बुकर अवार्ड के लिए इनका नाम तीन बार शॉर्ट हुआ है उसके बाद उनको एक ब्रिटिश ब्रिटिश uh, मतलब इंग्लैंड uh, का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है दैट इज द गार्डियन प्राइज और यह गार्डियन प्राइज उनको मिला है और किसके लिए मिला है कौन सी बुक के लिए मिला है बुक का नाम है द विलेज बाय द सी ओके एंड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन और जिस तरीके से इंग्लैंड का सबसे बड़ा और रिस्पेक्टेड अवार्ड है दैट इज़ अ गार्डियन उसी के जैसे इंडिया का साहित्य के फील्ड में साहित्य का फील्ड बोले तो लिखान के फील्ड में लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसका नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड और वो अवार्ड से और उस अवार्ड से इनको नवाजा गया है और वो कौन सी बुक के लिए इन्हें मिला है बुक का नाम है प्राइज ऑन द माउंटेन ओके सो इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक क्लियर हो गई है ओके इफ आई यू इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ चैप्टर सीक्रेट सो व्हाट विल बी योर आंसर अनिता देन आई विल आस्क यू इन विच ईयर शी बॉर्न सो व्हाट विल बी योर आंसर इन 1937, ओके उसके बाद देसाई सो वट यू विल से मी अनिता देसाई इज अन ऑफ द फेमस इंडियन इंडियन ऑथर हुज़ रिटर्न लॉर्ड ऑफ थिंग्स फॉर द चिल्ड्रन ओके विच आर स्पेशली ऑन द फिक्शन ओके उसके बाद वॉट इज द अचीवमेंट ऑफ अनिता देसाई तो अचीवमेंट्स क्या हैं उनके शी हेज थ्री टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज अवार्ड आफ्टर दैट शी इज शी गॉट प्रेस्टिजियस गार्डन अवार्ड in britain okay uh, and she got sahitya academy award from india so she is it is what all about the information of this chapter's author that is anita desai i think it's clear to all okay so now move to the chapter portion let's see okay you तो अभी बातें बहुत हो गई है हमने चैप्टर के ऑथर के बारे में इन्फॉर्मेशन देख ली है चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के अंदर क्या होगा इसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा हमें आ गया है और अभी हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं ओके सी कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ हियर रोहन वाज अ क्वाइट बॉय थॉटफुल एंड इंट्रोवर्टेड अब यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स है उसके मीनिंग्स आपको लिखने हैं इंट्रोवर्टेड का मीनिंग होता है अ रिज़र्वड एंड शाई नेचर बॉय मतलब जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता शर्मिला सा होता है इस टाइप का रोहन बच्चा था ओके ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एट स्कूल उसको स्कूल में बहुत कम फ्रेंड्स थे ही वॉज़ नॉट वेरी ब्राइट वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था बट was always eager to please his parents and teachers the appreciation of his parents and teachers matters a lot to him iska matlab ye hota hai ki rohan naam ka ek ladka hai jo ki bahut hi shy aur um reserved type का लड़का है. इसके लिए हमारे पास एक special word हमने use किया that is the introverted what is the meaning of introverted Introverted means reserved and shy natured boy or girl. Okay, उसको स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे बहुत कम फ्रेंड्स थे वो स्कूल वो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं था ओके okay? लेकिन वो अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश करता था बाय हिज परफॉर्मेंस और टीचर्स और पेरेंट्स के तरफ से जो उसे एप्रिसिएशन मिलता है एप्रिसिएशन बोले तो क्या होता है रिकगनाइजेशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मीन द रेकनाइजेशन अब एप्रीसिएशन को किस तरीके से आप पढ़ोगे सो यू जस्ट सी हियर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करोगे पहले एप फिर रे सी एन एप्रिसिएशन इस तरीके से उसका प्रॉपर प्रोनाउंसेशन है ओके एप्रिसिएशन का मतलब होता है रेकग्नाइजेशन बड़ों से जो हमें स्तुति जो मिलती है ना बड़े जो हमारी वाहवाही करते हैं या हमें शाबाशी देते हैं एप्रिसिएशन का मतलब शाबाशी भी होता है तो शाबा बड़ों से जो शाबाशी मिलती थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर मायने रखती थी ठीक है नाउ दैट डे अब एक दिन की बात है बता रहा है दैट डे टर्न आउट टू बी बैड फॉर रोहन वो दिन रोहन के लिए बहुत ही गंदा दिन निकला था नॉट ओनली डिड ही गेट द सम रॉन्ग्स बट ऑल्सो एक्सीडेंटली अ बॉटल ऑफ इंक ऑन द फ्लोर मतलब उस दिन क्या हुआ था उसके सम्स मतलब उसके मैथ्स के सम्स ही सिर्फ रॉन्ग नहीं हुए थे तो गलती से एक्सीडेंटली इंक की जो बॉटल थी वो भी फ्लोर पे गिर गई ओके द इंक स्प्लैश्ड On his teacher's white canvas shoes, it was obviously a punishable ऑफेंस Okay, वो इंक गिरी तो गिरी कहाँ गिरी उनके टीचर के कैनवस के शूज के ऊपर ओके okay. और टीचर तो भाई पूरे तरीके से क्या हो गए एकदम क्या बोलते हो टीचर ही ही एंग्री ओके okay. टीचर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए और वो और उन उसने जो किया था तो वो तो ऑब्वियसली क्या था पनिशेबल था ऑफेंस का मतलब होता है माइनर क्राइम ओके बड़े क्राइम छोटे क्राइम ऐसे होते हैं ना ये माइनर क्राइम था ओके okay? और टीचर ने इसके लिए उसको पनिश भी किया था ओके नाउ हियर टेक दिस लेटर टू योर फादर अब टीचर ने क्या किया टीचर ने एक लेटर ही दे दिया उसके हाथ में और बोला कि लेके जाओ और दो अपने पापा को ओके okay? टीचर ने क्या बोला here take this letter to your father show it to his show it to him and get his signature on it tomorrow you may leave for the day now उन्होंने क्या कहा येलो लेटर और दिखाओ अपने पेरेंट्स को और इस पे सिग्नेचर करके लेके आओ और आज आज के लिए तुम्हारी स्कूल ओवर चलो निकलो क्लास से इस तरीके से उसने उन्होंने रोहन को क्लास के बाहर निकाल दिया प्लीज गो होम रोड़ the टीचर। उन्होंने चिल्ला के उसको बोला प्लीज गो होम roared the टीचर ओके ही हैंडेड a लॉन्ग लॉन्ग टर्स लेटर टू rohan ओके लॉन्ग टर्स टर्स का मतलब क्या होता है एक टर्स मतलब कर्ट मतलब उन्होंने रफली कर्ट का मतलब होता है रफली ओके उन्होंने रफली एक पेपर उनके उसके हाथ में दे दिया थमा दिया और बोला कि ये लो और दिखाओ अपने पापा को और साइन ले आओ और आज के लिए तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया जाओ घर ऐसे करके उन्होंने उसके ऊपर रोहन के ऊपर चिल्लाए ओके लेट हिम पनिश यू और उन्होंने उसके बाद क्या कहा? ये लेटर दिखाओ अपने पप्पा को और वो अब तुम्हें अभी पनिश करेंगे ठीक है रोहन स्लोली गैदर्ड हिज बुक्स एंड took heavy स्टेप्स आउट ऑफ द स्कूल यार्ड बट नैरो नैरो सिटी लैन एंड अब द नैरो सिटी लैन ओके इसका मतलब रोहन बेचारा बहुत ही ज्यादा डिसमूड हुआ पहले ही मैंने बताया है कि रोहन बहुत ब्राइट नहीं था लेकिन वो टीचर्स और पेरेंट्स को हमेशा खुश करता था मतलब अपने अच्छे बिहेवियर से लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था एक्सीडेंटली हुआ था और टीचर ने उसको इस तरीके से डांटा था कि उसका पूरा दिल टूट गया था ओके और टीचर ने उसको क्लास के बाहर भी निकाल दिया तो उसने अपने बहुत ही क्या कहते हैं हेवी uh, हार्ट से उन्होंने उसने अपने सारे बुक्स कलेक्ट किए और गर्दन नीचे लटकाए वो बेचारा क्लास के बाहर निकला और वो ऐसा और इसी पोजीशन में मतलब ऐसे ही गर्दन लटकाए वो सिर्फ क्लास के बाहर ही नहीं निकला तो जो uh, स्कूल के बाहर वाली जो एक छोटी सी गली थी उस गली तक वो वैसे ही गया ओके okay. उसके बाद ही सैट डाउन इन द शेड ऑफ द बिग बनान ट्री एंड सोब्ड विथ पेंट अप एंगर ओके और उसके बाद वो वो जो इसका झाड़ था बनियान का झाड़ था बोले तो बरगद के पेड़ के नीचे बेचारा बैठ गया और अपने अपने टूटे हुए दिल के साथ वो वहाँ पे बहुत रोने लगा ओके पेंट अप का मतलब क्या होता है इमोशन दैट हैव नॉट बीन एक्सप्रेस्ड ओके ही हैड ही हैड ट्राइड टू गेट द सम्स राइट The ड्रॉपिंग ऑफ द इंक बॉटल वॉज एन एक्सीडेंट ही शुड नॉट हैव मेड फेस फॉर ऑल दैट हैड है दो द डे progressing from bad to worse okay ओके वो सोचने लग गया मतलब वो ऐसा बैठा था रो रहा था और सोच रहा था कि यार मैंने तो मैं तो सम करेक्ट करने के लिए गया था लेकिन एक्सीडेंटली इंक नीचे गिर गया ओके okay, और मैंने तो फेस भी नहीं बनाए मैंने तो किसी को चिढ़ाया भी नहीं मैंने कुछ बोला भी नहीं लेकिन फिर भी मेरा जो दिन है वो बैड से शुरू हुआ और अभी बहुत ज्यादा बैड बोले तो वर्ष हो गया है ठीक है तो यहाँ तक आई थिंक आज के लिए इतना टॉपिक ठीक है अब इसके ऊपर आपको ये टॉपिक समझा है अगर नहीं समझा है तो आप मुझे सवालत पूछ सकते हैं ठीक है अब इसके ऊपर एक छोटा सा होमवर्क हम लेंगे पहले तो ये जो मैंने एक्टिविटी आपको बोली टमोारो आई वॉन्ट एवरी वन हैव टू गिव मी एक्सप्लेनेशन इन फाइव और टेन सेंटेंस डेट कि हाउ दे मेड डे बेटर किसी का किसी का दिन अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या किया और उनके लाइफ में जब ऐसा कोई बैड डे आया रोहन के जैसे तब उन्होंने क्या किया उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया ये दो एक्टिविटीज़ है उसके बाद यहाँ पे कुछ पांच सॉरी पांच वर्ड्स आए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स दैट वर्ड्स यू हैव टू बाय हार्ट एंड आई विल आस्क यू एंड आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑल्सो ऑन दिस चैप्टर सो डोंट टेक इट वेरी लाइटली ओके स्टूडेंट यस yes. एंड um, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे आई थिंक सो तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम ठीक है अब uh, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट पेज नंबर फोर्टीन पे यहाँ अब मेरे पास नहीं है पेज नंबर फोर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला जो क्वेश्चन है वाई वॉज द डे टर्निंग आउट टू बी बैड फॉर रोहन रोहन के लिए वो दिन खराब क्यों निकला इसका जवाब आप लिख सकते हो इसका जवाब आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी के ऊपर है प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन अगर नहीं आता है तो टुमारो आई विल डेफिनेटली टेल यू ओके सो दिस इज़ फॉर To, uh, today, tomorrow we will again meet. Till then, bye bye.